बुलंदशहर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ज्ञानवापी केस को लेकर बड़ा बयान दिया। राकेश टिकैत ने इशारों इशारों में ही कहा है कि जिसका जो सामान है उसे वापस कर दो। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि पहाड़ से कोई भी पत्थर उठा लो वही शिवलिंग है, यह हमारी आस्था का सवाल है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जल्द ही ट्रैक्टरों से हमारे संगठन के लोग बिजली, महंगाई, गन्ने के भुगतान व अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। कर्नाटक में हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यह मेरे साथ साजिश की गई है, पहले से ही मेरे पर हमले करने की कोशिश की जा रही थी। राकेश टिकैत का आरोप है कि जिन लोगों ने हमला किया है उनके वहां के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में फोटो हैं। यह बात उन्हें पुलिस ने बताई। राकेश टिकैत ने बुलंदशहर में रोड शो किया था। संगठन के बंटवारे पर राकेश टिकैत ने कहा कि ठीक है, दो संगठन बन गए हैं, पंजाब में भी दो संगठन बन गए हैं, लेकिन मूल संगठन हमारा ही है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जिसका माल है उसे वापस दे दो, हम तो वहाँ गए ही नहीं। जहाँ तक शिवलिंग की बात है तो पहाड़ कोई भी पत्थर उठा लो वह शिवलिंग है, यह भारत की आस्था का सवाल है। हमने भी कई मंदिर बनवाए, हिमाचल से पत्थर लाकर शिवलिंग बना दिया। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि ज्ञानवापी का मसला जांच का है, हमसे मीडिया ने जो पूछा था उसका जवाब दे दिया, यह किसानों का मुद्दा तो है नहीं। गांव वाले कहाँ ज्ञानवापी को जानते हैं, गाँव तो ज्ञान यानी किताब की बात जानते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सीएम नहीं मिलेंगे तो गोरखपुर के एक महात्मा से मिलकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।